रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल नीति 2022 का लोकार्पण प्रोजेक्ट भवन में किया और मुख्यमंत्री ने खेल नीति के लोकार्पण के अवसर पर झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में झारखंड के खिलाड़ी तैयारी करते हैं और नंबर वन की अवस्था में झारखंड का नाम रोशन करते हैं। हर वर्ग को कुछ ना कुछ सहायता हमारी सरकार प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को न्यूनतम सहायता राशि 50,000 रुपये तत्काल दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी तैयारी में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नीति 2022 के तहत झारखंड में खेल गतिविधियों का प्रसार, युवाओं के रोजगार, आमजनों में आत्मविश्वास और झारखंड को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। आरजेएस सुप्रीमो सुदेश महतो ने रांची प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की और सुदेश महतो ने कहा कि आगामी 23 सितंबर विनोद विहारी की जयंती के दिन से जन सरोकार के मुद्दे को प्रखर रूप से झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं आरजेएस सुप्रीमो ने कहा कि कार्यक्रम पदयात्रा के रूप में किया जाएगा, जिसमें 81 विधानसभा क्षेत्रों से आरजेएस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आना जाना होगा और इसी कड़ी में हर विधानसभा क्षेत्र के हर एक दिन कार्यकर्ता पदाधिकारी रांची आएंगे और पदयात्रा करके राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन सौंपेंगे। मैं उनके फर्क पड़ने के कारण पर नहीं जाता, मैं चाहता हूं कि ये राज्य के नौजवानों के लिए जो अवसर नौकरियों में, उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, व्यवसाय में जो अवसर बनेगा, उस अवसर का लाभ यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय लोगों को मिले, इसके लिए सुनिश्चित करें। स्थानीय नीति खतियान का आधार हो, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर सर्वे का काम हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे तक 1932 से लेकर 64 या उसके बाद भी हुए हैं। हम लोग ने यही कहा है कि 32 उसका मूल आधार बने और जिस प्रदेश में उसके बाद भी हुआ है उनको भी आधार बनाए, इसको लेकर एक स्थानीय नीति बने। सरकार जल्द से जल्द, सरकार जो हाउस में चर्चा की है, बात की है, मुख्यमंत्री का हाउस में बोलना, वो सरकार का निर्णय माना जाता है, सरकार का संदेश माना जाता है। रांची में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार की संपत्ति पर एक बार खुलकर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार की बड़ी हुई संपत्ति का जांच का विषय है। सोरेन परिवार जब भी संकट में आता है तब आदिवासी कार्ड खेलने का काम करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार जब से झारखंड में सत्ता में आया, राज्य की विधि व्यवस्था चौपट हो गई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यही कारण है कि जांच के डर से ये सरकार आदिवासी कार्ड खेलकर जांच से भागती है। तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है, लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से। और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना, पूरा परिवार की जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीजों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का 2 दिवसीय सम्मेलन जमशेदपुर में संपन्न हुआ और इस मौके पर माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी की आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने झारखंड के राजनीतिक हालातों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहती है। ऐसे में माले राज्य सरकार के साथ खड़ी है। इसके अलावा देश के वर्तमान हालात को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि देश का हर वर्ग इन दिनों त्राहिमाम कर रहा है, नौकरियां नहीं हैं, मजदूर शब्द समाप्त हो चुका है, किसान परेशान हैं। देश को चलाने वाले जब ये कहने लगे कि वो 40 साल तक देश में राज करेंगे, इससे लोकतंत्र में अस्थिरता का माहौल बनेगा। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में सेना ज्वाइन करने वाले अग्निवीरों का जमावड़ा मंगलवार को देखा गया और ये भावी अग्निवीर अपना चरित्र प्रमाण पत्र लेने आए थे। इस दौरान एसएसपी ऑफिस में भागम भाग करते हुए युवा नजर आए, जहां पर पुलिस के जवान इनको संभालने में लगे हुए थे। एसएसपी ऑफिस पहुंचे कुछ युवाओं ने कहा कि काफ़ी लाभदायक है, 4 साल के बाद हम कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं, इस अवधि में हमें पूरा प्रशिक्षण मिलेगा और हम देश की सेवा कर सकते हैं।
करेक्टर के लिए आया है यहाँ, डुमरिया थाना से आए हुए हैं हम लोग करेक्टर लेने के लिए। हाँ करेक्टर मिल गया हम लोग को अभी, बाकी जिनको नहीं करेक्टर यहीं आके अप्लाई किया था हम लोग, फिर थाना वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, फिर थाना से वेरिफिकेशन किया, इसके बाद यहाँ आज लेने के लिए आए हुए हैं। आर्मी के लिए किए हुए हैं, आर्मी के लिए। हाँ उसी के लिए। पलामू के चैनपुर अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी को घूस लेते भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने गिरफ्तार किया। राजस्व कर्मचारी 10,000 रुपए किसी काम के एवज में ले रहा था। राजस्व कर्मचारी कन्हैया राम को वादी की शिकायत पर एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि अधिकारी के तकरीबन 12,000 से ज्यादा की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त 10,000 रुपए की थी और उसको लेते हुए उसको गिरफ्तार किया। बिहार झारखंड की बातें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।